ओके, वेलकम टू #cookwithshivani एपिसोड नंबर 4। आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं बहुत ही अलग चीज ट्राई। सो हर रोज की तरह मैं कल भी अपने फोन पे पूरा दिन लगी हुई थी यूट्यूब पर, और मुझे बहुत ही यूनिक सी रेसिपी दिखी, विच इज मैगी मंचूरियन फ्रॉम कबिताज किचन यूट्यूब चैनल। तो मैंने सोचा दैट यू नो व्हाट, आई शुड गिव इट अ ट्राई, और हमें ये बनानी चाहिए बिकॉज आई एम अ मैगी लवर। अगर आप भी मैगी लवर हो, अगर आप मंचूरियन लवर हो, तो ये वीडियो भाई साहब आपको देखनी ही देखनी है। सो विदाउट ब्लैबरिंग मच, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू टेक मैगी एंड उसे बॉइल करना है विदाउट एडिंग द टेस्ट मेकर। प्लेन सादी मैगी बॉइल करनी है एंड आई एम गोना एड 1.5 कप ऑफ वाटर, और उसमें 2 पैकेट मैगी डालेंगे एंड उसे बॉइल करेंगे। अब जब तक हमारी मैगी बॉइल हो रही है तब तक हम हमारी वेजिटेबल्स चॉप कर लेंगे। एंड फॉर वेजिटेबल्स आई एम टेकिंग अनियन एंड कैप्सिकम। हमारी मैगी बॉइल हो गई है, अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसे यूज करेंगे। ओके गाइस, 10 मिनट हो गए, हमारी मैगी अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस, फिर इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले जाएगा सॉल्ट, थोड़ी रेड चिली, ब्लैक पेपर पाउडर, फिर इसमें जाएगा 2 पैकेट हमारा जो मैगी मसाला था वो। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ मैदा, 2 टेबलस्पून मैदा एंड 2 टेबलस्पून चावल का आटा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड मैं हाथ से मिक्स करने वाली हूँ बिकॉज दैट्स इजी। अपने हाथ अच्छे से धोके इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे। और अब ये मिक्स हो गया है सारा, अब इसकी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। अब बॉल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने हाथों पे तेल लगा लूंगी और अब शुरू करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ड्राई है तो आप हल्का सा पानी भी डाल सकते हो, बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ बिकॉज मेरा मिक्सचर इतना ड्राई नहीं लग रहा मुझे। गाइज, आर मंचूरियन बॉल्स आर रेडी, अब हम इन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। ओके गाइस, अब हम हमारी सॉस बना लेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा गार्लिक, गार्लिक को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और ये सॉस हाई फ्लेम पे बनेगी, लो फ्लेम पे नहीं करना, इसे सारा हाई फ्लेम पे करना है। अब इसमें जाएगा अनियन, और अब हम डाल देंगे इसमें कैप्सिकम, इसे अच्छे से पकाएंगे 2-3 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे और मिक्स करते रहेंगे ताकि थोड़ा जले ना। ओके गाइस, अब इसमें हमारी सॉसेस जाएंगी। सबसे पहले हम डालेंगे व्हाइट विनेगर 1 टेबलस्पून, फिर जाएगी ग्रीन चिली 1 टेबलस्पून, देन आई एम गोना ऐड रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, डार्क सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून केचप
एंड इफ यू लाइक स्पाइसी तो इसमें आप 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून वाटर एंड इसे अच्छे से पकने देंगे ऑन हाई फ्लेम फॉर 2 मिनट्स। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप इस टाइम पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून, और इसे थोड़ा और पानी डाल के आप ग्रेवी बना सकते हैं। बट मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है घर पे अभी, तो मैं इसे थोड़ा ड्राई रखूंगी। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी बॉल्स और अच्छे से टॉस कर लेंगे। And our Maggi Manchurian is ready. Okay, guys, our Manchurian is ready. Maggi Manchurian, sorry. So now we're gonna give it a taste test. Firstly, I'm gonna show you अंदर से कैसा लग रहा है. So it is looking something like this. और taste करके देखते कैसा है. बहुत सही है। जस्ट वन थिंग, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो ट्राई टू मेक इट अ ग्रेवी वन, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेवी नहीं है ज्यादा। सो आई एम गोना सजेस्ट यू कि आप ग्रेवी वाला बनाना। बट अदर देन दैट, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है और आप ये बनाओगे तो भी ये कोई बुरा नहीं है, बहुत टेस्टी लग रहा है। एंड या फ्लेवर बहुत सही आया है। अब अनियन के साथ भी खा के देखते हैं। यम्मी। सो गाइज, ये था मेरा मैगी मंचूरियन बनाते हुए वाला व्लॉग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको कुछ और आइडियाज है, आपको क्या देखना है अगला कुक विद शिवानी में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप यहाँ पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, कितनी भी बार आ चुके हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन नीचे मिल जाएगा, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और घंटी भी दबा देना भूलना मत। नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।